देखिए पहले भी अली अमीन खान आते रहे, संजानी में जलसा किया, बाकी जगहों पे किया, लाहौर गए, हमने सब भी कहा संजानी में कर लें। बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर थे, मैं मिनिस्टर इन वेटिंग था, मैं उनके साथ गाड़ी में सफ़र करता रहा। तो क्या वजह थी कि बेलारूस के प्रेसिडेंट के दौरे के दौरान ही यहाँ पे आना मकसूद था, सड़क ब्लॉक करना? देखें अब अगर बेलारूस के प्रेसिडेंट जा रहे होते गाड़ी में, अभी एयरपोर्ट से गए हैं, और यहाँ पे डंडे लेके और पत्थर लेके और गुलेले लेके लोग चढ़े होते, वो क्या पाकिस्तान का इमेज लेके जाते और दुनिया भर में पाकिस्तान का क्या इमेज जाता? अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुआ ये है, इनकी सारी लीडरशिप लाइफ थी, आतिफ खान, शाहराम तरकई, असद कैसर, हमाद अजहर, शेख वकास अकरम, कोई नज़र नहीं आया। रात हुआ ये कि जब थिनिंग आउट हुई है और कम लोग थे, ये अरेस्ट के डर से भागे। ऑपरेशन क्या होना था? ऑपरेशन यही था ना कि आपने गैर कानूनी काम किया, आपने यहाँ पे शहीद किया लोगों को, फोर्सेस को, आपको अरेस्ट करने लगे, यही होता है। तो उस अरेस्ट के डर से इतना फौफदारी था कि भाग गए हैं और फाइनली कॉल मिस कॉल बन गया। देखिए रियासत का दिल बहुत बड़ा होता है और रियासत को सब्र से काम लेना चाहिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे हमारे लोग जो थे ताने दे रहे थे, तनकीद कर रहे थे, आप इनके खिलाफ एक्शन लें, एक्शन लें। रियासत कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उस साइड पे भी आवाम है ना, उनके सियासी कारकुन हैं, माना कि उनके बच्चे आगे नहीं आते, माना कि वो ढाल बनाते हैं सियासी वर्कर, उनकी अपनी पॉलिसी है। मगर हमने ये सोचा कि जब बिल्कुल हद तमाम हदें पार कर ली और हमारे हाथ कुछ ऐसी एविडेंस लगी कि ये रेड जोन में घुस के बेलारूस के प्रेसिडेंट का दौरा भी ख़राब करना चाहते हैं, ये वहाँ पे इंतशार भी फैलाना चाहते हैं, और एक दफ़ा कंटेनर के ऊपर चढ़ के हमला कर चुके थे, आपने भी देखा, मैं मौके पे था जब भी फायरिंग कर रहे थे और ये कंटेनर के ऊपर चढ़ गए हुए थे, टीवी ने भी ये फुटेज दिखाए। तो अभी तो सिर्फ गिरफ्तारी के लिए अटैम्प्ट की थी, इधर से भाग गए। देखिए फाइनल कॉल पहले भी अब भी, तो ये जब सियासी वर्कर फाइनल कॉल देता है ना वो भागता नहीं। अभी अली अमीन खान की मैं सुन रहा था स्टेटमेंट कि धरना जारी है, ज़रूरी है धरने में लोग हों, तब ये खाली सड़कों में तो धरना तो नहीं हो सकता। सो आई थिंक अब मुश्किल आपको लेने चाहिए। और मैं आपको एक पाकिस्तानी के तौर पर बात करूँ, कुरम में जाएँ, कुरम के जख्मी लोगों को और गमजदा लोगों को सीने से लगाएं, लॉ एंड ऑर्डर केपी का बेहतर करें, अपने सूबे की गवर्नेंस पे तवज्जो दें, वरना ये बुशरा बीबी तो शी इज़ नॉट अ वेरी एजुकेटेड वुमन, एंड वो जिस तरह आई थी लाशें लेने, हमने उनको लाशें नहीं दी। देखिए स्टेट फायरिंग की ना कोई एविडेंस है और ना स्टेट फायरिंग के हवाले से कोई फोर्सेस को अहकाम थे स्टेट फायरिंग करने के। इन्होंने जाली सोशल मीडिया पे चलाया है कि जी पोली क्लिनिक में दो लाशें आई, पोली क्लिनिक ने उसको डिनाई किया है, और अगर लाशें थी कहाँ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोई शनाख्त नहीं है। अली अमीन मैं समझ रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बताएगा भाई शोदात ने दुआ की। देखिए ये लाशों की तलाश में रहना और ये इल्जाम लगाना, फोर्सेज वाले शहीद हो रहे हैं और क्लेम दूसरी तरफ है, ये चाहते थे लाशें गिरे, हमने ये मौका दिया। आपने स्ट्रेट फायर्स होते हुए देखे? मैंने नहीं देखे, मैंने हवाई फायरिंग जरूर देखी है, मैं उस पर बिल्कुल आपको बोलूँगा, हवाई फायरिंग मैंने देखी है, वहाँ से भी फायरिंग हो रही थी, हवाई फायर बिल्कुल आप कई दफ़ा, और लाइव एम्यूनिशन किसी के पास नहीं होती, उधर थी उनके पास, हमारी फोर्सेज के पास कोई लाइव एम्यूनिशन। मैं आपके सवाल की नोयत समझ रहा हूँ, जो आप अटैच कर रहे हैं उसे नकवी साहब को और उनको प्लेस कर रहे हैं कहीं और उससे, मगर मेरा इस पर बड़ा क्लियर व्यू है, मुजाकरात नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से कि ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट है, मुस्लिम साहब ने ये बात गौहर साहब को बताई और उन्हें कहा कि जी ये गैर कानूनी प्रोटेस्ट है, और उसके बाद ये ऑफर किया कि आप संजानी पे जलसा कर रहे हैं। अदर देन दैट देर वर नो नेगोशिएशन, सिर्फ पैगाम एक दिया कि जी ये है, दैट इज़ इट। बातचीत ना हुई, ना होनी थी, ना होगी, बिकॉज इनके साथ अफगान बशिंदे सैंतीस हमने पकड़े, इनके साथ दहशतगर्द मौजूद थे, इनके साथ वारदातिये, डकैत, चोर जो इधर F-10 F-11 वाली साइड पे G-10 में डकैतियाँ करते हैं, उन्होंने रेफ्यूज लिया हुआ था, वो प्रोटेस्टर्स बन के इनके साथ शरीक थे। तो देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, आप प्रोटेस्ट करें, पीसफुल करें, जहाँ आपका दिल करता है करें, बट इस तरह आके शहरों पर हमला करना, ज़िंदगी को मफलूज कर देना, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है।